क्या है कि जब भी स्कूटी का फोन बनने के लिए एसएसओ आईडी पर एचजीएमएसडीएसए पोर्टल जो ओपन करते हैं, आइकन ओपन करते हैं, तो सभी के तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ है साथियों जिन्होंने मुझे मतलब व्हाट्सएप पर भी किया है और मतलब कमेंट्स में भी जो है वो कमेंट किया है कि इस तरह का जो एरर है उनके सामने आ रहा है कि नो मेंबर्स इस मार्क्ड एज डिसेबल्ड इन जनादर, इस तरह का एरर आ रहा है। तो इस पहली बात तो हम इस वीडियो में इस एरर का मतलब जानेंगे कि आ क्यों रहा है, और दूसरी बात इसका समाधान में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोनों बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। दोनों हैं, फर्स्ट वाला है नो मेंबर इस मार्क्ड एज डिसेबल्ड इन जनादर, ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि मतलब नो मेंबर इज मार्क्ड, यानी आपका जो सदस्य है उसे आपने अभी तक राइट नहीं किया है। जो राइट होते हैं ना, जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं आप राइट करते हैं ऐसे छोटा सा, इज मार्क एज डिसेबल्ड इन जनाधार, यानी आपने जो है, ठीक है ना, आपने जो है अपने जनाधार कार्ड में आपके जो सदस्य है परिवार में, चार पांच लड़कों के नाम होते हैं जनाधार में, सदस्य होते हैं पाँच छः जो दस जो भी आपके जनाधार में, उसमें कौन डिसेबल्ड है आप उन सदस्यों में से, ठीक है ना, उनमें से मतलब जो है चिन्हित नहीं किया है। एक बार और बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसका मतलब इस लकीर का है, आपने जो है आपके जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनमें कौन हैंडीकैप्ड है, कौन दिव्यांग है, उसको चिन्हित नहीं किया है। उदाहरण के लिए एक कोई भी दिव्यांग है, उनका जन आधार कार्ड है, ठीक है ना, अब उसके जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य है, मम्मी पापा ये सबके नाम ऐसे शोहर है, अब उनमें से जो भी डिसेबल्ड पर्सन है अर्थात दिव्यांग जो भी भाई है उनमें से पांचों छहों में से, उस पर आपने क्लिक नहीं किया, क्योंकि जब जन आधार कार्ड में क्या होता है, जब भी मतलब सदस्यों के नाम आते हैं तो उसमें हैंडीकैप का पर्सन का नाम आता है कि अगर ये है या नहीं है। जैसे आप सबसे पहले आपका नाम कुछ भी है, एक्स नाम है, मान लो एक्स नाम है आपका, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो जन आधार कार्ड में आपकी जानकारी भरने के समय एक पॉइंट आता है कि इज इज़ ए डिसेबल्ड, क्या ये दिव्यांग है, जो एक्स जो भी है आप उस पर आपको क्लिक करना होता है कि हाँ है, ठीक है ना। जो भी आपके घर में हैंडीकेप्ड है, आप खुद भी हो, तो आपको एक राइट का निशान करना है। कहाँ पे करना है, जन आधार कार्ड में करना है। जन आधार कार्ड जब पोर्टल आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आता है कि क्या ये डिसेबल्ड है ये पर्सन, सबको अपडेट करना होता है, तो वहाँ पर आपने टिक नहीं किया है कि ये डिसेबल्ड है, ठीक है ना। मैं आपको अब कैसे करना है ये भी बता देता हूँ, मैं आपको मतलब ये प्रूफ सहित स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा, ठीक है, एसएसओ की माध्यम से जाके क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल है ना मैं आपको निकाल के बताऊंगा, तो इसमें हम क्या होता है कि हमारे जो मतलब यूट्यूब वाले होते हैं ना ऐसे वीडियो उसको वापस हटा देते हैं। एक दिन मैंने वीडियोज डाला था कि मुझे मेरी स्कूटी का फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप, इसने मैंने उसमें मेरे सारे टेक्निक एसएसओ आईडी खोली फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, वो मेरा वीडियो जो है वो डिलीट कर दिया गया आगे से, क्योंकि हमारे कोई अधिकार नहीं बनता कि हम जो है वो आपके वो जो भी वीडियोस है उनको मतलब टेक्निक से कर सके, टेक्निकल जो है वो हम वीडियोस को मतलब वीडियोस में बता नहीं सकते कि ऐसे आपको ये करना है, वीडियो हमारे जो डिलीट हो जाता है, क्योंकि किसी भी जो है टेक्निक्स का हम हैरेस बैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब समाधान इसका मैं मुंह से बोल के बताया, आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी ओपन करनी है नॉर्मल, या आपको ई मित्र के पास जाना है, तो उसके बाद जनाधार का जो पोर्टल होता है उस पर जाना, और आपको क्या करना है, जनाधार को अपडेट करवाना है, उसमें एडिटिंग का ऑप्शन आता है, एडिटिंग करवाना है। एडिटिंग का मतलब एडिटिंग करवाना है, जो भी आपका हैंडीकैप है उस पर राइट करवाना है। जैसे आप राइट करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज शो होने लगेंगे और आपकी कैटेगरी एल डी जो भी है, बी एल जो भी है वो शो होने लगेगी, एच आई जो भी है वो होने लगेगी। आपको टिक करना है कि दिस इज ए डिसेबल्ड पर्सन, क्या डिसेबल्ड पर्सन है जो भी है, आपको सब पर नहीं करना है, जो आप हैंडीकैप्ड है जन आधार में जो भी व्यक्ति आपके परिवार के उन पर टिक करना है कि हाँ है, पहले भी बताया था मैंने, ये करते ही आपका ये एरर हट जाएगा। अगर और कोई एरर आता है, अब कुछ भी और एरर आ रहा है उनको मैं मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, इसलिए मैं आपको अच्छी जानकारी लेके और वीडियो बनाऊंगा, जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये वाला समाधान हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अभी तक क्या है कि जन आधार में विकलांग पर राइट नहीं किया है, जो भी विकलांग का प्रतिशत है मतलब विकलांग व्यक्ति है आपके जन आधार में परिवार में, उनको जन आधार में आपने राइट का निशान नहीं किया, ये मतलब, ठीक है ना।